दोस्तों मेरे पीछे जो ये गगनचुंबी टावर्स हैं, ये खुला आसमान है और ये हरियाली जो है, ये सिर्फ मैंने एक अच्छे फ्रेम के लिए नहीं लिया बल्कि ये बताने के लिए आपके सामने लाया हूँ कि विराट कोहली के करियर की कहानी कुछ ऐसे ही फ्रेम की तरह रही है पिछले एक दशक में। जी हाँ, गगनचुंबी उनकी कामयाबी रही है। खुले आसमान में वो तैर रहे थे विराट कोहली बल्लेबाज के तौर पर, कप्तान के तौर पर, और उनके करियर में हरियाली छाई हुई थी अगर आप देखा जाए। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो अचानक बहुत सारा कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात है, विराट कोहली को जून में ज़रूरत थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीतने की, जिसे उन्होंने गंवाया। उसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे और T20 वर्ल्ड कप उनके लिए अग्नि परीक्षा थी, वहाँ पर भी वो नाकाम हुए। भारतीय क्रिकेट में एक नया युग शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा नए कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ नए कोच हैं, कोहली के जो सबसे अच्छे दोस्त थे टीम में रवि शास्त्री, उनकी विदाई हो चुकी है, पूरा सपोर्ट स्टाफ बदल चुका है। लेकिन कोहली ने जब T20 की कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि वो वनडे क्रिकेट में कप्तानी करते रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद को ही नियुक्त कर दिया। लेकिन भारतीय क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, अक्सर ऐसा नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल अगर आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी हो। महेंद्र सिंह धोनी को पूर्व कप्तान होने के बावजूद वो टीम में खेले क्योंकि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे। धोनी के बारे में कभी भी ऐसी बात नहीं आई कि टीममेट्स के साथ उनकी पटती नहीं थी या कोई उनके खिलाफ था, टीम में बगावत का माहौल था। लेकिन अफसोस की बात है, कोहली के साथ ये सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे कप्तान के तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन एक लीडर के तौर पर जब कोहली बहुत ज़्यादा कामयाब थे तब भी सवालों के घेरे में थे। कभी अजिंक्य रहाणे को जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, या चेतेश्वर पुजारा को, या आर अश्विन को, या फिर रविंद्र जडेजा को, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी खासतौर पर शिखर धवन का नाम ले, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते थे। ऐसे में भारतीय क्रिकेट में तो अब एक नया युग शुरू हो चुका है। देखना यह दिलचस्प होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वनडे सीरीज है नहीं, T20 सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान है, वनडे और टेस्ट सीरीज में अगर देखा जाए तो एक टेस्ट में अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिली है, दूसरे टेस्ट में कोहली की वापसी होगी। साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, वहां पर तो निश्चित तौर पे कोहली कप्तान होंगे टेस्ट सीरीज में, लेकिन क्या वनडे सीरीज में कोहली कप्तान होंगे, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन। और ये मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, तमाम जो BCCI के आला अधिकारी हैं, चयनकर्ताओं से जो हमारी बात हुई है, उससे जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, कोहली के लिए वाइट बॉल के फॉर्मेट में वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी बनाए रखना मुश्किल होगा क्योंकि चयनकर्ताओं ने लगभग ये तय कर लिया है कि भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में जो सफ़ेद गेंद की कप्तानी है, यानी T20 और वनडे को दो अलग कप्तानों के बीच वो बांट नहीं सकते हैं। हाँ, ये असमंजस की स्थिति ज़रूर है कि रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी नहीं दी जाए, इसलिए फिलहाल जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें यही है कि रोहित शर्मा जो है टेस्ट मैचेस की कप्तानी भले करे या ना करे, लेकिन वनडे की कप्तानी की डोर भी उन्हें मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर विराट कोहली का वनडे क्रिकेट की कप्तानी से भी पत्ता कट सकता है।